नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi Note 11S versus Infinix Hot 12 Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Redmi Note 11S में 6.29 इंच जबकि Hot 12 Pro में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Redmi Note 11S में 2.91 इंच जबकि Hot 12 Pro में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Redmi Note 11S में 0.31 इंच जबकि Hot 12 Pro में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Redmi Note 11S से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Redmi Note 11S में 179 ग्राम जबकि Hot 12 Pro में 191 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Redmi Note 11S से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Redmi Note 11S में AMOLED जबकि Hot 12 Pro में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Redmi Note 11S में 20:9 जबकि Hot 12 Pro में 20:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Redmi Note 11S में 6.43 इंचेस जबकि Hot 12 Pro में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Redmi Note 11S में 1080x2400 और Hot 12 Pro में 720x1612 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Redmi Note 11S में 84.64% जबकि Hot 12 Pro में 84.61% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Redmi Note 11S में 409 पिक्सल प्रति इंच जबकि Hot 12 Pro में 267 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Redmi Note 11S में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Hot 12 Pro की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Redmi Note 11S में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Hot 12 Pro की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Redmi Note 11S में Mali G57 MC2 जबकि Hot 12 Pro में Mali G57 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Redmi Note 11S में MediaTek Helio G96 और Hot 12 Pro में Unisoc T616 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 6GB 8GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Redmi Note 11S में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Hot 12 Pro में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Redmi Note 11S में अप टू 1TB जबकि Hot 12 Pro में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Redmi Note 11S में Android V11 जबकि Hot 12 Pro में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Redmi Note 11S में 3 कलर्स जबकि Hot 12 Pro में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Redmi Note 11S में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,499 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 18,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें हॉट 12 प्रो की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 10,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 11,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi Redmi Note 11s में 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Infinix Hot 12 Pro की तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Redmi Note 11s आगे है, मेन कैमरा में Redmi Note 11s आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Redmi Note 11s आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Infinix Zero 8i है, दूसरा Samsung Galaxy A21s है, तीसरा Moto G 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y51 2020 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।